नमस्कार, फूड स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ढोकला, जिसे आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको 1 कप बेसन, 1 छोटी चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून चीनी और 2 चम्मच नींबू का रस। अब इसमें एक साथ पानी न डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें और अब इसे अच्छे से मिला लीजिए। आप इसे जब तक मिलाते रहिए जब तक इसका अच्छा बैटर तैयार न हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच तेल डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिलाइए और इसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। 1 कटोरी में पानी डालकर इसमें थोड़ा सा सोडा मिला दीजिए और इस बैटर को अच्छे से मिलाइए। सोडा की जगह आप इनो भी डाल सकते हैं। इसे कढ़ाई को मैंने पहले से ही चूल्हे पर रख दिया था और उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया था और अब इस प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हला लीजिए और इसमें बैटर डाल दीजिए। अब 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे पकने दीजिए और एक चाकू की सहायता से आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर इस पर लगे तो कच्चा है, वरना पक गया है। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। अब इसे दूसरी प्लेट में डाल लेंगे। तो देखिए आप कितना जालीदार बना हुआ है हमारा ढोकला। शुगर सिरप बनाने के लिए आप 1 कटोरे में पानी लीजिए और इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको गर्म होने दीजिए और इसमें मस्टर्ड सीड डाल दीजिए और अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसको थोड़ा भुनने के बाद कड़ी पत्ता डालकर इसे अच्छे से चम्मच की सहायता से या वैसे ही आप मिला सकते हैं और अब इसे जो शुगर सिरप तैयार किया था उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद अब इसे चम्मच की सहायता से आप जो ढोकला तैयार किया था उस पर फैला देंगे। फैलाने के बाद इसे चाकू की सहायता से आप जिस आकार में चाहे काट सकते हैं और हमारा ढोकला बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए हमारा ढोकला कितना स्पंजी तैयार हुआ है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।